जैसे मुझे पता था कि सब तक मजाक ये रिएक्शन देगी ही नहीं। यार ये मेरी जिंदगी का पहला था और ये आखिरी था। मैंने इतना गंदा एक्ट किया। थोड़ा और नेचुरल आई थिंक हो सकता था, थोड़ा और टाइम लेके, थोड़ा डरना चाहिए था मे बी तुम्हारे लिए। अच्छा इसके साथ साथ मतलब मैं किस दे दूं? किस देना पड़ेगा? नहीं तो मैं किस दे दूं? अच्छा हाँ सच में प्रैंक के बारे में बताता हूँ कि 1 अप्रैल आने वाला है और हम सब ने बचपन से आज तक सभी को बहुत ज़्यादा अप्रैल फूल बनाया है, तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं सावी को अप्रैल फूल बनाऊंगा। तो आइए एक सरप्राइज मुझे बहुत पसंद हो दिल से, तो मैंने सोचा कि ऑफिशियल प्रपोज क्यों नहीं हो रहा है, ऑफिशियल प्रपोज करने के लिए। हाँ मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हूँ, दे दे। हाँ ये लो, ये प्रपोज कर रहे हैं आपको तुम्हारे लिए। अच्छा इसके साथ साथ मतलब मैं किस दे दूं? किस देना पड़ेगा? नहीं तो मैं किस दे दूं? अच्छा हाँ सच में ये लो ढेर सारी किस है तुम्हारे लिए, किस भी ये सब का। नेक्स्ट टाइम कोई पूछेगा प्रैंकस्टर तो मैं क्या नाम है सारी, कैसा लगा आपको प्रैंक? ये डरी नहीं यार, ये क्या है? मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी, तो मैं नहीं डरती। इसको यकीन ही नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऑफकोर्स यकीन नहीं था कोई भी ऐसा बोलेगा, ये खुद भी आकर बोलेगा तो भी यकीन नहीं हो। सबको पता चल गया मैं कैसे। अच्छा सारी सबसे ज्यादा सेट पे प्रैंक कौन करते हैं? कोई नहीं करता, लेकिन अभी फिलहाल तो ही स्टॉपिंग द लिस्ट। मानेगा भी नहीं सच में, आप पूछो कि ऐसा कर सकते हो तभी इसको, मुझे लगता है आपको मैं ज्यादा जान गई, रक्षम को पकड़ना चाहिए था। रक्षम को हमने पूछा था बट वो सावी से डर गए। अरे यार वो डर गया, नहीं नहीं मानूंगा। नहीं नहीं उन्होंने कहा कि पता नहीं सावी को मजाक पसंद नहीं आएगा, या तो उन्होंने केयर्स अबाउट माय फीलिंग्स। आपको कोई प्रैंक करना होगा नित्यम के साथ तो कैसा प्रैंक बड़ी हो गई मैं। हाँ क्या कोई ऐसा प्रैंक किया है? किया है आई थिंक हाँ, लेकिन बहुत छोटे मजाक किए हैं। जैसे कि? जैसे शायद मैं बीमार हो गई हूँ या मेरा इससे झगड़ा हो गया है या ये सारी चीज़ें। बाकी कुछ लोग सीरियस प्रैंक्स करते हैं वो पसंद नहीं है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया ये वो, बचपन में बहुत लोग करते हैं ऐसा, वो हो चुका है। मतलब ऐसे लोग प्रैंक करते हैं और फिर बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वैसे मजाक नहीं करना चाहिए। बट हार्मलेस मजाक जैसे ये वाला मजाक, ये सब आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए। नित्यम आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? कभी आपने ऐसा कोई मजाक या प्रैंक किया है फर्स्ट? यार ये मेरी जिंदगी का पहला था और ये आखिरी था। मैंने इतना गंदा एक्ट किया कि उसको कुछ लगा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है क्या, तो शायद मुझे ये सीखना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, होता है सब कुछ। ओके कुछ टिप्स देना चाहेंगी? थोड़ा और नेचुरल आई थिंक हो सकता था, थोड़ा और टाइम लेके, थोड़ा डरना चाहिए था मे बी, यू नो ऐसे बिलीवेबल लगे कि हाँ नहीं मतलब सच में ऐसा कुछ है। नित्यम क्या कहना चाहेंगे? सीख रहा हूँ मैं अगले साल के लिए। नाइस ट्राई, नाइस ट्राई, पहली बार है यार तो इतना तो बनता है। बिल्कुल। लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप दोनों ऑडियंस से? फर्स्ट अप्रैल पे मेरे जैसा एक्ट तो बिल्कुल मत करना, थोड़ा नेचुरल करना और दिल से करना, और जल्दी बता देना, पता चला सामने वाला सच में हर्ट हो जाए तो आपको तमाचा ही मार दे।
पता चले लड़की किसी सिचुएशन में सच में लाइक करती होगी या लड़का लाइक करता होगा तो उसका तो दिल टूट जाएगा, तो इसीलिए जल्दी बता देना। हाँ, और ज्यादा फिल्मी मत होना मेरे तरह। हाँ, फिल्मी बातों पे तो यकीन होता ही नहीं है, तो थोड़ा नेचुरल कर। उस इंसान के बारे में अच्छे से जान भी लेना, ये जरूरी है। हाँ, जैसे मुझे पता था कि किस हद तक मजाक, ये रिएक्शन देगी ही नहीं। हाँ, किस हद तक मजाक चलेगा। तो फैंस को कोई बाय मैसेज यार, कभी फैंस को बाय कहने का मन नहीं करता, तो मिल तो पाते नहीं, ऐसे ही बात होती है आपके थ्रू। तो उनके लिए हम हमेशा ही प्यार रखते हैं और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। बाकी हम चाहते हैं कि वो शो देखते रहें और कमेंट पे हमें बताएं ये प्रैंक और अच्छा हो सकता था तो मैं क्या करता। बाकी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए वरना आपकी आवाज़ इनकी तरह हो जाएगी। हाँ, मेरे तरह हो जाएगी। नाक से बोलेंगे आप, बड़ा ही अनोइंग होता है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, बीमार मत होइए, प्लीज़ वॉच सावी की सवारी। अरे हंसना नहीं है, मैं तो हंस सकती हूँ। Thank you. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.